हम बात कर रहे हैं एक और बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनर्जी। अजीब सा है कि इंटरनल एक्सटर्नल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं। चलो मैं अपने लिए ही बोल देता हूँ, मेरे पास दो तरह की प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी एक्सटर्नल। इंटरनल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, मेरे मेरा बैंक बैलेंस, मेरे पास जो घर है वो, मैंने जो गोल्ड खरीद रखा है थोड़ा बहुत वो, मेरे पास जितनी भी एसेसरीज हैं उनकी वजह से जो पैसा है वो। तो ये जितने भी तरह का डायरेक्ट इनडायरेक्टली मेरे तरह से रिलेटेड है वो मेरे लिए वो क्या हो गया, इंटरनल मनी हो गया मेरा पूरा। मैं हर एक चीज़ को बेच के कैश करा लूंगा, इतने रुपए का मेरे सामान आया वो इंटरनल। सपोज सब कुछ बेच दिया मैंने और 10 करोड़ हो गए, तो वो 10 करोड़ वो मेरे लिए क्या हो गए, इंटरनल रुपीस। समझ में आ रहा है? अब बात आती है एक्सटर्नल क्या है फिर, जो मेरा नहीं है फिर भी मेरा हो सकता है। मैंने किसी दोस्त को फोन करा, भाई मुझे 1 करोड़ चाहिए, उसने लाके दे दिए, तो वो मेरी पावर है क्योंकि उसे मालूम है इसके पास 10 करोड़ है, तो 1 करोड़ दिए जा सकते हैं इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है ना, पक्का। मैंने अगले दिन फिर और फोन कर दिया, मेरे पास अभी कितने हो गए, 11 करोड़। मैंने कहा 1 करोड़ और चाहिए भाई, तब जरूरी नहीं है वो देगा, अगर दे दिए तो मेरी एक्सटर्नल एनर्जी और बढ़ गई है, नहीं दिए तो बस पता चल गया भाई कि मेरी एक्सटर्नल एनर्जी 1 करोड़ और इंटरनल एनर्जी 10 करोड़। हाँ या ना? तो इंटरनल और एक्सटर्नल में ये फर्क है। अब बात आती है कि इसको कैसे रोल करें हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनर्जी में, हमें किस में समझाना है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जी में। एनर्जी में तो हम इंटरनल एक्सटर्नल एनर्जी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ के साथ लिख भी रहे हैं। तो यहां हमारे लिए आएगा इंटरनल एनर्जी और यहां हमारे लिए आएगा एक्सटर्नल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को मैं ई से रिप्रेजेंट करूंगा या फिर मैं यू से रिप्रेजेंट करूंगा, एक्सटर्नल एनर्जी को मैं किसी से भी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, ठीक है ना, एक्सटर्नल ही लिखूंगा मैं, अभी जरूरत ही नहीं आ रही है। समझ में आ रहा है बात, कोई डाउट? तो कोई मुझे बताए इंटरनल एनर्जी अपने आप में क्या होगी, इंटरनल एनर्जी है क्या, पूरी कहानी सुनाइए, उस हिसाब से तो लिख सकते हो। इट इज द समेशन ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज द समेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू सब्सटेंस ऑफ द सिस्टम, और जो सराउंडिंग से रिलेटेड है वो कहाँ जाएगी, एक्सटर्नल। इट इज लिखते जाओ, इट इज द समेशन ऑफ ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी विच आर रिलेटेड टू सब्सटेंस इट इज द समेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी विच आर रिलेटेड टू सब्सटेंस ऑफ द सिस्टम। यानी सिस्टम से रिलेटेड जो भी एनर्जी है वो हमारे लिए क्या आ जाएगी, यहां पर इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। आ रही है बात समझ में? जैसे मैं अगर इंटरनल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इंटरनल एनर्जी किस किस का समेशन होगी, आप ही सोचो। मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं, अगर आपके पास मॉलिक्यूल है तो उसमें बॉन्ड होगा, बॉन्ड होगा तो केमिकल बॉन्डिंग एनर्जी भी होगी, उसको आप पोटेंशियल एनर्जी या बोलो या बॉन्डिंग एनर्जी बोलो, आपकी मर्जी है। बॉन्डिंग एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी भी बोल सकते हो। इसके अलावा टेम्परेचर होगा, थर्मल एनर्जी। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो थर्मल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम ही फॉर्मेट होते हैं,
नहीं, फिर भी मैं अलग लिख रहा हूं अभी समझाने के लिए। ई न्यूक्लियस एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, अगर उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है तो वो भी ले लो, और ऐसी बहुत सारी एनर्जी जिनके नाम जानते हो या नहीं जानते हो, इंटरनल एनर्जी है। समझ में आ रहा है या सुनो? लेकिन अगर हमारे पास आइडियल गैस है, हीलियम ही गैस मान ली मैंने, क्या मान ली मैंने, हीलियम गैस, इफ गैस इज हीलियम, तो पता है मेरे लिए इंटरनल एनर्जी के नाम पर क्या हो जाएगा, एक तरह से मैंने मान लिया, और वो भी हीलियम मानी है मैंने, बस ये मान लिया हीलियम ही है, तो मेरे लिए एक तरह से हीलियम के लिए बस एटम ही मूव कर रहे हैं, और वो काइनेटिक एनर्जी, और इस जगह काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा किसके प्रोपोर्शनेट है, टेम्परेचर के, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, अगर मोनो एटॉमिक गैस है। समझ में आ रहा है? हीलियम ले लो, खैर आइडियल गैस लिख लो आप तो, और आइडियल, समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये थोड़ा सा हमारे लिए सिस्टम है इंटरनल एनर्जी के बारे में, और एक्सटर्नल एनर्जी की क्या डेफिनेशन होगी? इट इज द समेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी विच आर रिलेटेड टू सराउंडिंग टू सिस्टम। सराउंडिंग यानी कि उसके मित्र हो गए, फ्रेंड हो गए, जो उसको उधार दे सकते हैं एक तरह से, सराउंडिंग टू सिस्टम, या सिर्फ सराउंडिंग से छोड़ दो, रिलेटेड टू सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल एनर्जी कौन सी होगी? इंटरनल एनर्जी को तो मैं ई इंटरनल लिखूंगा पूरा, अगर लिखना ही हुआ तो ई इंटरनल, एक्सटर्नल के लिए मैंने एक्सटर्नल एनर्जी, इसके लिए क्या हो जाएगा, बाहर से लगने वाला ग्रेविटेशन एनर्जी, ग्रेविटेशन एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है बाहर से तो मैग्नेटिक एनर्जी, और बाहर एटमोस्फियर में है तो एक एटमोस्फियर की वजह से, बाहर जो गैस है उसकी वजह से प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी भी लगेगी, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, इसको हम बोलेंगे पीवी, ड्यू टू एटमोस्फियर। तो कहां ये एनर्जी नहीं लगेगी, स्पेस पे चले जाए आपको ये एनर्जी नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि वहां एटमोस्फियर ही नहीं है। आज अगर किसी कंटेनर का वॉल्यूम, या मेरी साइज ही मान लीजिए, सपोज मेरी साइज 5 फीट 8 इंच है, कितना 1 atm का प्रेशर झेल रहा हूँ यार, तो हाइट इतनी है, अगर प्रेशर कम होता तो मेरी हाइट ज्यादा होती, और प्रेशर ज्यादा होता तो मेरी हाइट शुरू से ही कम बनी रहती। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं इसका फर्क है, तो ये हमारे को सिर्फ समझने के लिए कि प्रेशर की वजह से, प्रेशर किसकी वजह से आता है, एयर की वजह से भी एक एनर्जी होती है जो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो भी एक्सटर्नल एनर्जी में है, तो ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। तो मैं आपको फिर बोलना चाह रहा हूं, आप क्या इंटरनल वैल्यू एनर्जी निकाल सकते हैं? नहीं। क्या एक्सटर्नल एनर्जी निकाल सकते हैं एग्जैक्ट? नहीं। तो की पॉइंट क्या रहेंगे आपके, कुछ की पॉइंट आपका इंतजार करेंगे, फर्स्ट वी कांट कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनर्जी। वी
वी कांट कैलकुलेट एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पहला पॉइंट। दूसरा, हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जी तो नहीं बता सकते, लेकिन हम क्या उनमें चेंज बता सकते हैं? हाँ भाई, जो भी चेंज हो रहा है, सपोज इंटरनल में तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जो भी मैंने एनर्जी दी वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा। तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हीट मैं बता सकता हूँ चेंज ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जी। वी कैन शो द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी एनर्जी इंटरनल एनर्जी को चेंज कैसा होगा? डेल्टा ई। कैसे होगा? डेल्टा ई हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। समझ में आ रहा है? पक्का? तो हम डेल्टा ई की वैल्यू कैसे बताएंगे? डेल्टा ई दो तरह से बता सकते हैं। डेल्टा ई, पहला, गैस आइडियल है या नहीं है। गैस अगर आइडियल है गैस इज आइडियल, बहुत ध्यान से सुनना, तो डेल्टा ई की वैल्यू हमारे लिए एक तरह से जो भी हीट आ रहा है उसके बराबर हो जाएगी। और हीट हमारे लिए कौन सी आएगी? वही हीट हमारे लिए जाएगी जो सिर्फ बिना वॉल्यूम चेंज किए आ रही है। वही हीट हमारी किस में जाएगी? इंटरनल एनर्जी में। तो एक तरह से वो हीट क्या होगी? एन सी वी डेल्टा टी या डी टी। समझ में आ रहा है? और ये क्यू वी आएगा, लेकिन आप अभी क्यू वी पे ना फंसे तो ये अच्छा है। डेल्टा ई इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी आप लिख दीजिए। समझ में आ रहा है? पक्का? क्योंकि सारी की सारी हीट, जब डेल्टा वी जीरो है तो सारी की सारी हीट कहाँ जा रही है? इंटरनल एनर्जी में जा रही है। समझ में आ रहा है? और अगर गैस आइडियल नहीं है, गैस इज रियल ऑब्लिक सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड, तो फिर हमारे लिए डेल्टा ई का कोई फॉर्मूला नहीं है। बस, तो हम एन सी वी डेल्टा टी के बराबर तो नहीं कर सकते या डी टी के बराबर तो नहीं लिख सकते। और इसका मतलब यह है कि जब गैस आइडियल है तो डी टी यानी डेल्टा टी जीरो है, तो डेल्टा ई भी क्या होगा? जीरो। लेकिन अगर गैस रियल है और डेल्टा टी या डी टी जीरो है तो भी डेल्टा ई जीरो नहीं होगा, क्योंकि तब ये फॉर्मूला ही नहीं लगेगा। ये तो रहा आपके लिए इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात आती है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा आपके लिए? इंटरनल एनर्जी, ये हमारे लिए थर्ड पॉइंट हो गया। टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल एनर्जी। अब आप बताइए, आप 11th 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, बहुत ऐसा तो है नहीं कि आप नासा में काम कर रहे हैं या इसरो में कर रहे हैं, जो आप प्रोसेस करते करते चंद्रमा पर या मंगल पे पहुंच गए। ठीक है, आप तो अपनी लैब में ही करेंगे केमिस्ट्री में, तो वहाँ ऐसा क्या चीज़ है जो चेंज हो रही है? मुझे नहीं लग रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी फील्ड चेंज हो रहा है। तो आपको एक्सटर्नल एनर्जी के नाम पर सिर्फ कौन सी मिलेगी? पीवी एनर्जी, क्योंकि आपके पास एटमोसफियर में काम करना मजबूरी है, इसलिए पीवी एनर्जी आपकी वर्क कर रही है। बस हम यही लेंगे एक्सटर्नल में, बाकी नहीं लेंगे। और जब हम ये लेंगे तो हम इसको बोलेंगे एच टोटल एनर्जी, इसका नाम हो जाएगा एंथैल्पी।
कब होगा इसका नाम, टोटल एनर्जी का नाम एंथैल्पी, जब एक्सटर्नल के नाम पर सिर्फ पीवी एनर्जी हो। तो ये हो जाएगा एच इक्वल टू ई प्लस पीवी, एच इक्वल टू ई प्लस पीवी। समझ में आ रही है बात? बस यही हमें करना था। अगर आप डिफरेंस करना चाहते हो, दोनों तरफ डिफरेंस कर दिया तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। ये भी लिख सकते हो आप, बहुत आसानी से लिख सकते हो। समझ में आ रही है बात? ये हमारे लिए इंटरन, हाँ बोलो बेटा। ठीक है, ये चीज अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? डेल्टा एच, तो अगर यहां पर प्रेशर भी कांस्टेंट है, एक लाइन और, तो हमारे लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा ई प्लस पी वी टू माइनस वी वन, ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी वी टू माइनस वी वन। ये किसके लिए लगेगा फॉर्मूला? सभी के लिए लग सकता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि सॉलिड के लिए लगेगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। अगर मैं पी वी इक्वल टू एन आर टी लिख देता हूं तो इसका मतलब मैं गैस के लिए लिखूंगा। वॉल्यूम भी कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन आप भी बताइए, आप एटमोसफियर में प्रेशर पर वर्क कर रहे होंगे तो किसके कॉन्स्टेंट रहने के ज्यादा चांसेस है, पी के या वी के? पी के 180 एम, सही है ना, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? तो ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए, ऑब्लिक गैस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज कर लिया, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, तो फिर आपके लिए पीवी टू की जगह क्या लिख लोगे, एन आर टी, एन टू आर टू टी टू माइनस एन वन आर टी वन, और ये सिर्फ अब गैस के लिए लिखा जाएगा, क्योंकि पीवी की जगह आपने ये लिख दिया। अब यहाँ दो बातें हो सकती है, या तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो मोल चेंज होंगे, या मोल कांस्टेंट हो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो जनरली मैं यहाँ पर टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन के लिए लिखना चाहूंगा और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखूंगा। तो केमिकल रिएक्शन जहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई भी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा ई प्लस आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एन आर डेल्टा टी आ जाएगा, डेल्ट आर टी टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा एन जी आ जाएगा, डेल्टा एन जी। यस और नो? सही है। अब आपके लिए यहां पर जी का मतलब गैस, यानी आपको सिर्फ गैसेस मॉलिक्यूल ही देखने हैं। एग्जांपल से समझा देता हूं मैं आपके साथ है। अगर 5A कन्वर्ट 5A3B कन्वर्ट 2C प्लस 4D, और मान लीजिए ये गैस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, तो जितने भी सॉलिड और लिक्विड है उसको काट दो, ये सॉलिड और लिक्विड। और डेल्टा एनजी निकालते वक्त बहुत ध्यान रखना, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल माइनस प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल माइनस रिएक्टेंट करना है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल माइनस रिएक्टेंट करना है। और 4 माइनस 5 ये वैल्यू कितनी आएगी, -1, यानी डेल्टा एन जी हमारे लिए पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। यस और नो? तो ये हमारे लिए बहुत इजी है,
कि हमारे लिए डेल्टा एन जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? लिखें इसको। हमने लास्ट क्लास में इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जी किया, अच्छे से समझ में आ गया। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी अपने आप में एक अलग चीज़ बता रही है और एक्सटर्नल एनर्जी बाहर से मिलने वाली एनर्जी बता रही है। इंटरनल सब्सटेंस से रिलेटेड एनर्जी हमारे को बता रही थी, हमने ये बहुत अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। इसके अलावा हम इस पॉइंट पे भी आ चुके थे, क्या था हमारे लिए, और वो था हमारे लिए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये हमारा एक आर्टिकल था जो हमें ये बता रहा था रिलेशंस डेल्टा एच एंड डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। हमने ये डेराइव कर लिया था, ठीक है, बिल्कुल सही है, सही है, कोई डाउट नहीं है। अब उसके बाद हमारे को दो और पॉइंट डिस्कस करने। पहले अगर कोई रिएक्शन है तो हम रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं और हमारे पास है कोई रिएक्शन है ए मोल ऑफ ए कन्वर्ट हो रहे प्लस बी मोल ऑफ बी कन्वर्ट हो रहा है सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी। ये हमारे पास रिएक्शन है, समझिएगा बात को, इस पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां जो भी लिक्विड है और सॉलिड है उसको आप बिल्कुल काट ही दो। तो इसमें लिक्विड और सॉलिड जो है, ये लिक्विड है काट दिया, ये सॉलिड है काट दिया, और हमारे पास डेल्टा एन जी की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी स्मॉल सी माइनस स्मॉल ए, यानी गैसेस प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल माइनस 10। या सुनो, इस रिएक्शन में कोई डाउट, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या है और डेल्टा ई क्या है? डेल्टा ई और डेल्टा एच को अगर हम समझते हैं तो इस रिएक्शन को अगर ओपन कंटेनर में कराया जाए तो वो होता है हीट डेल्टा एच, और क्लोज में कराया जाए तो वो कहलाता है क्यू वी और वो डेल्टा ई। यानी एक ही रिएक्शन को क्लोज और ओपन में कराया जाए। देखो क्लोज और ओपन का मतलब कैसे होगा, ये तो है क्लोज, ये रिएक्शन हो रही है, तो जो भी हीट का ट्रांसफर होगा इस जगह वो हमारे लिए हो जाएगा क्यू वी, और इस तरह का जब भी ट्रांसफर होगा, अब ये मूव कर सकता है, तो यहां जो भी ट्रांसफर होगा वो होगा क्यू पी और वो कहलाएगा डेल्टा एच और इस जगह कहलाएगा डेल्टा ई। आप इसको अंदर तक बिठा लीजिए, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तो आपने दो चीजें पढ़ ली है, डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या है, क्यू वी और क्यू पी, और डेल्टा एन जी क्या है इस रिएक्शन में। ये जो डेल्टा एच है ये किसका कहलाएगा इस जगह, रिएक्शन का। डेल्टा ई भी क्या कहलाएगा, रिएक्शन का, और डेल्टा एन जी भी क्या कहलाएगा, रिएक्शन का। समझ में आ रही है बात, इज दैट क्लियर? दिमाग में बिठा के चलना, हर चीज रिएक्शन की है। इस रिएक्शन में ए के कितने मोल है, एक या ए, ए अगर आपको एक मोल के लिए दिया जाए तो आप रिएक्शन के लिए कैसे निकालोगे, ए मोल के लिए पक्का, तो ऐसे निकाल सकते हो। आपको एक मोल के लिए दिया जाए तो आप यूनिटरी मेथड लगा के ए मोल के लिए निकाल कर डेल्टा एच रखेंगे, ध्यान देना ये बात को, बाकी तो बहुत इजी है। तो हमारे लिए एक क्वेश्चन आसान हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, होगा। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इसके लिए एक मोल का देकर, इसके लिए एक मोल के लिए क्यूपी देके क्यू ही पूछ लेगा एक मोल का, तो आप पहले क्या करोगे, आप दो तरह से कर सकते हो, या तो पूरी रिएक्शन में जिसके ऊपर डिफाइन करने के बोला है उसका कोफिशिएंट क्या कर दो, वन कर दो, बहुत आसान है, सबसे अच्छा तरीका है, तो मैं वही करता हूं, वही आप करा करो, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए एक स्पेशल नोट रह गया, क्या है हमारा स्पेशल नोट, इन केस व्हेन वन मोल इज डिफाइन, डेल्टा एच इज डिफाइन फॉर वन मोल
ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस, एंड डेल्टा एच या डेल्टा ई इज आस्किंग, देन रिमेंबर दैट द कॉफिशियंट ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस शुड बी वन। अगर आपने उसको वन मान लिया तो आपका काम चल जाएगा, नहीं तो आपसे गलती होगी और पता भी नहीं चलेगा। एग्जाम्पल, हमारे पास सी सिक्स एच सिक्स का कंबशन है 15/2, ये दे रखा है इस तरह से 15 O2 12 CO2 प्लस 6 H2, ये रिएक्शन बैलेंस है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल बता रहा हूं, गिवन है आपको डेल्टा ई इज -20 kJ इस रिएक्शन के लिए, किलो जूल पर मोल दे रखा है फॉर C6H6। अब ये स्पेसिफिक कर दिया, अगर सिर्फ किलो जूल दिया होता तो रिएक्शन का हो जाता, हम रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल लेते, लेकिन स्पेसिफिक करते वक्त वो क्या यूनिट भी चेंज होती है, किलो जूल पर मोल हो जाती है पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। इज दैट क्लियर? और डेल्टा ई पूछ रहा है आपको वैल्यू निकालनी है किलो जूल पर मोल में फॉर C6H6, सेम सब्सटेंस के लिए। आपके पास फॉर्मूला तैयार है बचपन से ही, क्या है? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अगर ये रिएक्शन का दिया जाता तो पहली बात यूनिट सिर्फ किलो जूल होती और कोई सब्सटेंस डिफाइन नहीं होता किसके लिए, हम बड़ा बड़े आराम से कर देते इसके लिए, लेकिन स्पेसिफिक कर दिया। अब हमारे को ये वाला गुरु मंत्र लगाना पड़ेगा और हमें ये रिएक्शंस को इजी वे में लिखना पड़ेगा, जिसके ऊपर डिफाइन है उसका कॉफिशियंट क्या रखना पड़ेगा, वन। एक और चीज दी गई है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये गैस है और ये लिक्विड है, और टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। तो जो लिक्विड है उसे काट दीजिए, और अब आप मुझे बताएं कि क्या आप लिख सकते हैं, आपको सिर्फ क्या चाहिए, डेल्टा एन जी, सॉरी डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी बताइए, इस रिएक्शन को देख के बताइए आप। 6 -15/2, क्योंकि आपने इसका कॉफिशियंट वन बना दिया है, 6 -15/2। हाँ बोलो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं हम, 6 -15/2, और डेल्टा ई उसने दिया हुआ है -20, और डेल्टा एच आपसे पूछा जा रहा है, आराम से बताएंगे। टेम्परेचर दिया हुआ है, आर की वैल्यू आप जानते हैं, आर की वैल्यू क्या रखेंगे, 8.314/1000 रखेंगे। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू किलो जूल पर मोल में रखनी है, तो इस जगह आर की वैल्यू क्या रखोगे आप, 8.314/1000, हर चीज किलो जूल में चलनी चाहिए। टेम्परेचर 300, और यहां डेल्टा एच हमसे पूछा जा रहा है, खत्म, हम कर लेंगे आराम से, वैल्यूज रखनी रह गई। तो क्वेश्चंस को जब तक आप समझोगे नहीं आप कर भी नहीं पाओगे। कब हमें वन करना था, कब नहीं करना, जब स्पेसिफिक दिया तो वन करना जरूरी है, नहीं तो हमारा काम चल रहा था। तो हम इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स और करेंगे डिस्कशंस में, शुरू हो जाए अपन। तो पहले आप ये लिख लीजिए, इसी पॉइंट्स को में क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, ध्यान रखना क्यूपी डेल्टा एच हीट है,
कांस्टेंट प्रेशर पे, डेल्टा ई भी हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। बस इस चीज को पकड़ना। कई बार मतलब बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि डेल्टा ई डायरेक्ट नहीं बोलता, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं बोल के बोलता हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो टर्म के अकॉर्डिंग आपको समझना है और उस तरह से आपके लिए हो सकता है। बहुत अच्छा। कई बार इक्वेशन भी खुद से बनानी होती है हाइड्रोकार्बन की, और आराम से बनाई भी जा सकती है, ऐसा कोई टफ काम नहीं है। एग्जाम्पल करते हैं, चलिए। इफ हीट लिबरेट एट कॉन्स्टेंट, हीट लिबरेट ऑफ कॉम्बशंस ऑफ 1 मोल C2H4 या C2H2 ही ले दिया एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इज -20, सॉरी 20 किलो कैलोरी दे दिया। फाइंड हीट लिबरेट ऑफ कंबशंस ऑफ 1 मोल C2H2 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इफ टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो, तो हम सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जब भी करते हैं हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, इक्वेशन कहाँ है? खुद बनाओ, कंबशन कर रहे हो, सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? C2H2 प्लस O2 ट्वाइस CO2 प्लस H2, क्या ये बैलेंस है? कार्बन बैलेंस है, देख लीजिए। हाँ, फिर हम हाइड्रोजन करते हैं, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। हाँ, फिर ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस है, नहीं। 5/2। एसिटिलीन एक गैस है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये भी एक गैस है, ये गैस है, और ये हमारे पास लिक्विड है। ये दिमाग में रखना चाहिए कि कौन गैस है, कौन लिक्विड है, कौन क्या है। पक्का सॉल्यूशन क्लियर है? आप मुझे बताएं गीवन क्या है, एक एक करके। डेल्टा एच गीवन है, हाँ, 20 किलो कैलोरी, बहुत ध्यान रखना होता है पर मोल, क्योंकि 1 मोल के लिए दिया गया है। तो मैंने C2H2 का तो 1 ही मोल रखा रखे, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसके ऊपर स्पेसिफिक किया है उसका मोल 1 रखना जरूरी था। लिबरेट लिखा हुआ है वहां पर, तो यहां डेल्टा एच का क्या साइन आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस। और डेल्टा ई पूछा जा रहा है, वो भी लिबरेट, तो माइनस एक्स लिखना पड़ेगा आपको किलो कैलोरी, और ये एक्स आपको निकालना है। सही है। डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी? यहां पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी 2 माइनस 1 प्लस 5/2, यानी कितना हुआ? 5/2, 2 माइनस 1 प्लस 5/2। सही है। तो 5 और 2 7, देखा जाए 7/2 में से आपके 4 माइनस हो गए, तो कितने हो जाएंगे? 3/2। लॉक कर दें, माइनस के या प्लस के? आर की वैल्यू क्या रहेगी यहां पर? 2 डिवाइडेड बाय 1000। आर की वैल्यू होती है 2 कैलोरी में, हमारे पास किलो कैलोरी में चेंज करना था, 2 किलो कैलोरी के लिए आपने 2 डिवाइडेड बाय 1000 किलो कैलोरी पर मोल पर केल्विन। जिसे ये याद नहीं है वो धीरे धीरे आर की वैल्यूज यूनिट्स याद करता जाए। और टेम्परेचर कितना दिया है हमारे को? 300 केल्विन दिया उसने, सेंटीग्रेड में था, मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। अब कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, फॉर्मूला याद करना हमेशा आसान रहता है,
लेकिन फॉर्मूले में वैल्यूज रखना बहुत गलती करता है। बच्चा है ना, बच्चा तो बच्चा गलती करेगा ही, वो कहाँ नहीं गलती कर सकता। यहाँ साइन का ध्यान नहीं रखेगा तो गलती, यहाँ आर की वैल्यू नहीं रखेगा तो गलती, यहाँ स्टेट सही नहीं रखी तो गलती, इसको नहीं काटा तो गलती, डेल्टा एन जी निकालने में गलती, आर की वैल्यू रखने में गलती, तो गलतियां तो बहुत सारी हो सकती हैं। सॉल्यूशंस, अगर आपने सब चीजें सिस्टमेटिक रख दिया तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच की वैल्यू दी गई है, कितना दिया है आपको? डेल्टा एच की वैल्यू दी गई है आपको -20, 20 सही है। डेल्टा ई की वैल्यू आपको रखना है यहां पर -x। क्यों हमने -x लिखा है? क्योंकि x लिबरेटेड पूछ रहा है, वो हीट पूछ रहा है, उसने डेल्टा ई की वैल्यू नहीं पूछी है, उसने हीट की वैल्यू पूछी है लिबरेटेड। तो x अगर लिबरेटेड हीट है तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी? -x। प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी? -3/2। आर की वैल्यू 2/1000 और टेम्परेचर 300। वैल्यूज निकालना अब आपके लिए दिक्कत नहीं है। एक्स इधर आया, ये उधर गया 20, माइनस ये क्रॉस हुआ, ये कितने हुए? 9/10.9। क्या मैं सही हूं? तो ये कितना हो जाएगा हमारे लिए? 19.1 किलो कैलोरी पर मोल। बोलो, ये लिबरेटेड हीट है, अपने आप में लिबरेटेड है। डेल्टा ई पूछा जाता -19.1 लिखते हैं आप, क्योंकि ई के साथ और एच के साथ साइन आता है, डेल्टा एच और डेल्टा ई के साथ साइन आता है, हीट के साथ साइन नहीं होता, उसके साथ वर्ड्स आते हैं लिबरेटेड या एब्जॉर्ब। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास पॉइंट्स होते हैं जो थोड़ा थोड़ा हमें ध्यान रखने, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। कौन से के लिए? मैंने सेम वर्ड हीट, लेकिन हीट एक ऐसा वर्ड है जो हर जगह यूज हो सकता है, लेकिन वो हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो डेल्टा ई कहलाएगा, और कांस्टेंट प्रेशर पर है तो डेल्टा एच कहलाएगा। समझ में आ रही है? तो हीट ही सबके लिए यूज हो सकता है, और डेल्टा एच और डेल्टा ई। कोई डाउट? हमने पिछली क्लास में यही किया है।